हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीआर जो कि आज आई है, यानी कि 13 मार्च को। सो आज बहुत सारी पीपीआर्स तो नहीं आई क्योंकि पता नहीं नहीं आई क्या इशू है, लेकिन सिक्स जितने ही बच्चों ने शेयर की थी तो उतनी पीपीआर्स मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। एंड आज एक अच्छा और दूसरी भी गुड न्यूज़ है कि हमारी कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब में एक्टिव कर दी है ताकि हम उधर भी इंटरेक्ट कर सकेंगे। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कल मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस की बात की थी तो बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा कि हमें ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैं इतना कह दूँ कि मैं इसके लिए एक वीडियो भी बना दूँगा, पूरा कोई इशू नहीं उसमें। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करो ही मत, उसका वीडियो मैं आई थिंक सो अभी तो मेरा असाइनमेंट सबमिशन सब कुछ है, फ्राइडे संडे नाइट को सब, सैटरडे संडे को होता है सब नाइट को, सो उसमें बहुत टाइम चला जाता है। सो और फिर बाद में नेक्स्ट दिन मैं मंडे या ट्यूसडे उसकी वीडियो लाऊंगा, आप ज़रूर देखना उसको। एंड चलो ये पहले ये वीडियो शुरू करते हैं। जो ये पहली फाइल है ये उन्होंने लॉन्च की थी 20th of November को, उनका मेडिकल हुआ था 6th November को, उनका मेडिकल अपडेट हुआ था 8th January को, बायोमेट्रिक्स उनका हुआ था 23rd of December को, रिव्यू स्टार्ट हुआ 9th March को और पीपीआर उनको आ गए 13th March को। थैंक यू गाइज फॉर मोटिंग मैन हो पीपीआर। ओके सो हमारी भी पीपीआर जल्दी आ जाएगी ये कह रहे, सो हमारी भी आएगी आज नहीं तो कल। सो प्लीज़ जस्ट डोंट लूज योर होप एंड स्टे मोटिवेटेड यार। पर्सनली मेरी बात करो तो मेरे साथ भी बहुत कम दिन बचे हैं, अभी एक ही वीक है मेरे साथ भी, नहीं तो मुझे डिफर करवाना पड़ेगा मेरा प्रोग्राम। सो होप फॉर द बेस्ट कि मेरा भी पीपीआर जल्दी से जल्दी आ जाए। फिर ये दूसरा है आकाश पटेल का, उन्होंने वीज़ा लगाया था 20th Jan को। ओके और ये एक जनवरी की फाइल्स है। सो अभी तो मैंने 6 फाइल्स देखी, उसमें से एक मैंने जनवरी की देखी और मैंने कल शाम को भी 2 फाइल्स देखी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जनवरी फाइल्स को भी नवंबर के साथ साथ देते हैं। पता नहीं दिसंबर किधर चला गया बीच में से, पहले की भी बहुत सारी फाइल्स बाकी है। सो गॉड नोज कि ये लोग कैसे फंक्शन कर रहे हैं यार। इनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 27 January को, उनका मेडिकल अपडेट हुआ था 3rd March को एंड रिव्यू स्टार्ट हुआ था 4th और 5th March, उनको पता नहीं। ओके कोई नहीं। और उनका BVL आ गया था 11th March को और 2 दिन बाद PVR आया। सो ये भी बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं जब भी उनका PVR आ जाता है तो BVL आ जाता है कि हमारा 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया। नॉर्मली मुझे पता है कि 1 घंटे में आ जाता है, लेकिन कई कई केसेस में 2-3 दिन लगते हैं। सो वेट फॉर संडे में आपका BVL, मतलब आपका पॉजिटिव ही है, आपको आ ही जाएगी आपकी PVR। और कल आज मैंने कोई फ्रेंड का मैसेज आया था एंड ही वॉज आस्किंग अबाउट फिलिंग वेब फॉर्म, उनका मेडिकल अपडेट नहीं हुआ था तो वो कह रहे थे कि क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सो देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, मेडिकल अगर आपका अपडेट नहीं हुआ है तो इन दैट केस यू नीड टू फिल वेब फॉर्म, बट तभी फिल करिए जब भी आपका रिव्यू स्टार्ट हो गया है और अभी तक नहीं हुआ। हाँ मुझे पता है रिव्यू बाद में स्टार्ट होता है, लेकिन हो जाए फिर भी अपडेट हो सकता है। और अगर आपको रिव्यू स्टार्ट नहीं हुआ और आपकी जो फाइल है वो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम जो कि अभी आई थिंक सो 12 वीक्स है, आई एम नॉट श्योर बट जितना भी है उससे ज़्यादा हो गए हैं और मेडिकल भी अपडेट नहीं हुआ है, रिव्यू स्टार्ट हो गया या रिव्यू नहीं भी स्टार्ट, तो इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली फिल द वेब फॉर्म। मैंने खुद आज एक मेरा फिर से वेब फॉर्म भरा है क्योंकि मेरा भी मेडिकल अपडेट नहीं हुआ है, मेरा प्रोसेसिंग टाइम जो है उससे ज़्यादा हो गया है। मैंने पहले एक बार वेब फॉर्म भरा था और तभी मेरे को ये मैसेज आया था कि भाई जब भी आपकी फाइल कोई कंसर्न्ड ऑफिसर लेगा तो अपडेट हो जाएगा, और अभी उन्होंने 8 मार्च को मेरी फाइल रिव्यू में ली, लेकिन कोई ऑफिसर ने ली लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ। सो मैंने भरा वेब फॉर्म और मैंने उसमें मेरा ई मेडिकल का जो मैं देते वो भी मैंने अटैच किया है, सो दैट्स नॉट एन इश्यू क्योंकि वो उनका वाक है। सो डोंट वरी, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, आप जस्ट उनको जगा रहे हो, उनको कह रहे हो कि भाई मेरा मेडिकल अपडेट कर दो, सो डोंट वरी। लेकिन बार बार मत करिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं हर रोज़ करते हैं, मैंने देखे कितने सारे जो हर रोज़ करते हैं, फिर कई सारे लोग वीकली करते हैं, ऐसा मत कीजिए, एक दो बार ही कीजिए मैक्सिमम। फिर ये दूसरी है। ओके सो ये तो हमने देख ली एंड ये दूसरी फाइल है, उन्होंने फाइल लगाई थी 24th of November को, उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 9th of December को, उनका मेडिकल जो अपडेट हुआ था वो हुआ था 17th February को, उनका कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया था 13th of March को और उनको PPR आ गया था 13th of March को, से इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस विद द ग्रेस ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। ओके हमें भी मिल जाएगा। ओके उनका टाइमलाइन देखते हैं हम पहले, इनकी टाइमलाइन है 19 November को उन्होंने फाइल लगाई थी उनकी, सेम मेरे दिन ही इन्होंने फाइल लगाई थी। उनका बायोमेट्रिक्स उन्होंने दिया था 26th December को, उनका मेडिकल जो अपडेट हुआ था
वो हुआ था 29th of January को, उनका BVL आया था 13th March को और उनको PPR आ गया था 13th March को। सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस और हमारे लिए भी ये प्रे कर रहे हैं। एंड ये दूसरी है, हेलो आई गॉट माई PPR टुडे, 13th March की मार्च को उन्होंने फाइल लगाई थी नॉन एसटी, 13th March मतलब आज उनको आ गए। और उनका टाइमलाइन, उन्होंने मेडिकल दिया था उनका 4th January को, उनका उन्होंने उनकी फाइल लगाई थी 15th January को, उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 21st Jan को और उसी दिन उनका अपडेट हो गया था। मेडिकल उनका अपडेट हुआ था 2nd March को, रिव्यू स्टार्ट हुआ 5th March को और आज जाके उनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर 11th March को आ गया और विद इन द 2 डेज उनको PPR आ गई। ये भी देखिए आप, 2 दिन के बाद इनको PPR आई। सो ये दूसरी है, फाइनली आई गॉट माई वीज़ा, इनका कुंजी गोस्वामी उनका नाम है। फिर ये उनका एप्लीकेशन उन्होंने किया था 25th of November को, उनका मेडिकल एग्ज़ाम हुआ था 31st November, बायोमेट्रिक्स उनका हुआ था 10th December को, उनका मेडिकल अपडेट हुआ था 5th February को, BVL आ गया था 13th March को और उनको PPR भी 13 मार्च को आ गया था। ये आप देख सकते हो, उनका ये पूरा बैकग्राउंड है आप कॉलेज और वो सब। और यही थी थोड़ी PPRs जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आज। अभी तक बहुत सारी PPRs नहीं है, सो इतनी ही थी। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए। मैं खुद कई बार, मुझे भी लगता है कि यार मेरे को डिफ़र करवाना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो होप फॉर द बेस्ट कि जो भी ऊपर वाला सोचता है, अगर आप मानते हो भगवान में, आप अगर आप अपने मतलब कोई मानते हो, तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो डोंट वरी एंड जस्ट बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव वाइब्स लीजिए, आप पॉजिटिवनेस अपने अंदर रखिए, ना कि डीमोटिवेट हुई। मुझे पता है कि ये बहुत टाइम ले रहा है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस चल रहा है अभी, बहुत सभी प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग, PPR ही नहीं, पेमेंट लिंक में भी टाइम हो रहा है, सब में हो रहा है। सो आज नहीं तो कल आपकी भी PPR आएगी, तो अगर आपकी PPR आती है तो आपको मेरे साथ शेयर करनी हो, ताकि मैं इधर हमारे चैनल पे शेयर कर सकूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मुझे सेंड कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि भाई आज कौन कौन सी PPR आई। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी कैनेडा रिलेटेड अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिलती रहे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।